कर लिया, कर लिया सारा पैक। चलो वेरी गुड, उसको भी डालो, उसको भी डालो, ये भी डाल दो, बस अपने सारे गेम्स पैक कर रही है। बिकॉज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। इसको पैक करो बेटा। What's up guys, good morning, welcome back to another vlog। हम लोग आज निकल रहे हैं कानपुर के लिए क्योंकि कल मॉम का बर्थडे है। और सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें निकलना था कल रात को, हम नहीं निकल पाए क्योंकि मेरा काम हो रहा था। मेरे का सुबह निकलेंगे क्योंकि रात को बच्ची भी थक गई थी बहुत ज्यादा, मैं भी थक गया था। लेकिन अभी दिक्कत है कि हमारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। गोइंग डाउन टू रशी फ्रेंड, कल जब मैं जिम से आया था तो मैं रशी को पिकअप करने रशी के फ्रेंड गया था, तो शायद मेरे कार की चाबी उनके छोड़ दी है। चलो रशी मिल गई चाबी, मिल गई, चलो तैयार हो, तैयार हो। ये मेरी थी सोते-सोते गिर गई बेड पे, दोनों चाबी मिल गई। चलो अब कहाँ चलेंगे? ये लेट्स गो। चलो अपना बैग पैक करो, बैग पैक करो। हाँ रशी का बैग तैयार हो गया। लो ये रशु का बैग, पापा का कैमरा बैग, इसमें थोड़ा सामान, कॉमन सामान। लो भाई चलो चलो चलो, इस लड़की को सिर्फ अपने गेम से मतलब है। ऑल सेट, चलो। मैडम कहाँ चलेंगी? कानपुर। कानपुर जाएंगी? 1000 रुपए लगेगा, 1000 रुपए। ओके सो हमारा प्लान था 9 बजे निकलने का, इट इज 11। बच्चों के साथ हो जाता है, कभी पॉटी कर दी, कभी सुसु कर दी, कभी बच्चे का ये नहीं मिल रहा, बच्चे का फ्रूट्स भी लेना है रास्ते के लिए, बच्चे का। ओ रशु पानी तो लिया ही नहीं। जय काला शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। हम लोग पहुंचे गए नवाबगंज टोल प्लाजा। भाई साहब कैश की लाइन देखो, कैश की लाइन इतनी लंबी है कि मतलब ये लखनऊ तक ही चल रही है। ये फास्ट टैग की लाइन या कोई बहुत ज्यादा फास्ट ये भी नहीं चल रही। अगर यहाँ पे आपने कार्ड लगा दिया, ऐसे टैग लगा दिया, तो बाहर के देशों में आप देखेंगे दुबई दुबई में 100 की स्पीड पे जाओ, रीड करता है, रीडर लगा हुआ, टक 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 टक। क्या सही वहाँ पे होता है, यहाँ पे भी ऐसे कैसा करता है, कैसे करता है। मजे आ रहे हैं वापस ड्राइव पे, खूब बढ़िया सॉन्ग चल रहे, मजे आ रहे हैं। निकल ले आगे आगे। अरे नहीं हो रहा, हो गया हो गया हो गया। गंगा मैया आ गई, देखो राइट में गंगा मैया, मतलब अभी नहीं है सॉरी, आएंगी आगे, रुको। हेलो गंगा मैया की। एक चीज देख के जो मेरा दिल सबसे ज्यादा दुखता है वो कि हमारे देश की नदियां सारी सूखती जा रही है, और गंगा तो भारत की पहचान गंगा से। रशु वी आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, एवरीबॉडी इज स्टक, नोबडी इज मूविंग ना, तो दिस इज कॉल्ड बड़ाले वाले को टेम्पो। कानपुर की शान। कौन आ गया भाई? आदि आ गया, आदि आ गया भाई। कौन है? वहाँ से आ गया, मैं वहाँ से आ गया। दरवाजा खोले, खिड़की से, खिड़की से आजा कर ले। रशु खिड़की से चला गया। कानपुर आते मस्ती शुरू। रशु के लिए खूब चीजें बनाई है दादी ने, रशु के लिए गाजर का हलवा भी बनाया हुआ है, और पिन्नी भी बनाई हुई है, गुड़ पट्टी भी बनाई हुई है। रशु की हर जगह बल्ले बल्ले। थोड़ा सा पापा को दो। रशु दादी आ रही, छुप जाओ छुप जाओ, ठीक है? दादी को बोलूंगा रशु नहीं आई, रशु नहीं आई। दादी दादी रशु नहीं आई, रशु लखनऊ में ही है। रशु आई नहीं, नहीं आई, नहीं आई, आई नहीं रशु। आप क्या लेके आए दादी? पुच्ची करो फिर बताऊंगी। चिज्जी लेके आए? चिज्जी नहीं, नहीं। 3 दिन से दादू वाव चल रहा था, आज दादी चिज्जी लेके, दादी वाव। ये तो और बड़ी हो गई है, बोलो। दादू वाव दादी। बैक टू माई रूम। ये लॉकडाउन में मेरा ऑफिस था, यहीं बैठ के मैंने एडिटिंग चालू की थी, यहीं बैठ के मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू की थी, क्योंकि पहले मैं डेली व्लॉग नहीं करता था। सो दिस इज माई न्यू कैमरा बैग, इज अ लैपटॉप स्पेस है, काफी बड़ा है, और बेस्ट चीज है कि इसमें व्हील्स हैं, तो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे आपको उठाने की जरूरत नहीं है। कानपुर जब भी आते हैं तो हमको वो टाइम याद आता है जब लॉकडाउन में यहाँ आते, और 2-3 महीने यहाँ काटे थे आराम से मजे में। आजकल की डेट में देखो, मैं कहीं भी रहूँ, काम अपना ऐसा है कि भाई काम नहीं रुकता, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब लोग मीटिंग्स के लिए ट्रैवल नहीं करते, जूम कॉल करते हैं। इलॉन मस्क आपको बताऊं कितना बड़ा फैन हुआ है, 3 दिन पहले ब्लॉग में उसके बारे में डिस्कस किया था, कल के ब्लॉग में उसके बारे में डिस्कस किया था, हाउ ही रोड द टेक्नोलॉजी वेव एंड ही बिकेम वॉट ही इज। कॉलेज में था तो उसने कहा था कि अब इंटरनेट स्टार्ट हो रहा है, आई कैन इधर कम्प्लीट माई स्टडीज एंड सी द इंटरनेट ग्रो, और आई कैन लीव माई स्टडीज एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट वेव एंड राइट द इंटरनेट वेव एंड बिकम द पार्ट ऑफ। तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने कल रात को गेमिंग करते करते रिकॉर्ड की। आज से 20 साल पहले लोग इंटरनेट को मजाक मिलते थे, बट आज इंटरनेट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल टूल विच वी हैव। मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। टेक्नोलॉजी में जितने भी एडवांसमेंट होते हैं वो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। और अब बात आती करेंसी की, तो करेंसी भी इसी राह पे चल पड़ी है, करेंसी भी डिजिटल होने लगी है। जैसे आप देखते होगे आज के डेट में आप कितने सारे ऐसे वॉलेट्स यूज करते हैं ना, आसान हो गया हमारा
लेन देन उस चक्कर से। अब उसको एक स्टेप अगर आगे करते हैं तो आती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक डिजिटल करेंसी होती है, ये कोई नोट नहीं होता है, कोई कॉइन नहीं होता है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, उसमें मतलब कहने से हर देश की अपनी करेंसी होती है। इंडिया में रुपया चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, तो वहां की गवर्नमेंट और बैंक उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर इंडिया का रुपया लेके आप किसी अफ्रीका के देश में जाएंगे उसको वहां मान्यता नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज मतलब किसी एक देश की करेंसी नहीं है, उसको हर जगह मान्यता होती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपने जरूर क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट में नाम सुना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी हाई चल रही है। अगर आप मेरे 2018 के ब्लॉग देखेंगे आपने देखा होगा कि मैंने भी क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्ट किया था एंड वो फिर राइट होते होते अभी काफी हाई चल गया है, बीच में लो भी गया था। जो देश की करेंसी होती है उस पर सरकार का पूरी पकड़ होती है, सरकार उसको बनाती है। सरकार कहती है कि 100 रुपए का नोट 100 रुपए का, 100 रुपए का होता है। जब डीमोनेटाइजेशन वाला सरकार ने कहा था कि इस पेपर की वैल्यू नहीं है तो वो अमान्य हो गया उसको, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? नंबर वन रीजन क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं पूरे सिस्टम में। दूसरी चीज की ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करना चाह रहे हैं, इसका ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में इसको एक बड़ी चीज मानते हैं। आपके बिटकॉइन अगर आपके बिटकॉइन वॉलेट में है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता, सबका मेन एडवांटेज है। पैसा आपसे लोग चुरा सकते हैं, उसके जाली नोट बन सकते हैं। बिटकॉइन में कभी भी जाली नोट नहीं बन सकते, सरकार उसको अपने मन से छाप नहीं सकती, तो उसमें इकोनॉमिक क्रैश डाउन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं बिटकॉइन के डिसएडवांटेज की, जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिटकॉइन को ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए सरकार इसलिए वरिड रहती है कि इसमें हवाला होने के चांसेस हैं, इसमें टैक्स चोरी होने के चांसेस हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, आई एम गोना टेल यू एन ऑसम ऐप व्हिच इज कॉइन स्विच। ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉइन स्विच। तो कॉइन स्विच एक ऐसी ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके आप अपने बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सीमलेस प्रोसेस है। आपने ऐप को डाउनलोड करना, अपने कुछ डिटेल्स देनी है, एक आईडी पासवर्ड देना है। कॉइन स्विच एक बहुत ही भरोसेमंद ऐप है, इसके पिछले 8 महीने में 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इंडिया में। जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन खरीदे, 2 बिटकॉइन खरीदे, लोग तो 0.1, 0.123। एक लास्ट चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में और पढ़ें, इसके बारे में और जानें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क होता है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसी चीज होती है। मैंने जब पैसा लगाया था बिटकॉइन में तो मैंने उतना लगाया था कि अगर इसकी वैल्यू हाफ भी हो जाए तो मुझे कोई गम ना हो, लेकिन आज की डेट में ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा है। पापा को डर लगता है भाई? अरे मुझे डर लगता है, डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। रशु क्या बना रहा है? पापा के लिए रशु, 1 ग्लास पापा के लिए प्लीज। ये बन गया हमारा जूस और जो बना है इसके मम्मी कहती है पराठे बना लेते हैं। इसके पराठे बनेंगे रशु से मेरे, ठीक है? चीयर्स चीयर्स दादी। दिखाओ, अरे वाह। पापा के टू, पापा के टू आया आया आया। करते भाई चीटिंग करते हो तुम, ये नहीं पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखाओ। आया 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 आया, अरे वाह। खोल मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। हम बन चुके अमरीश पुरी क्योंकि बहुत ठंड है घर की, बहुत ज्यादा। क्रिकेट खेला, क्रिकेट जब ऐसी छोटी थी तो यहाँ से मुंह निकाल के देखती थी यहाँ से। पापा पापा नहीं, नहीं देगा नहीं। पापा कट्टी दे रही है भैया। आज नहीं पहनी मेरी शर्ट, दिखा दे भाई एक बार। चंट लौंडा, वाह बिल्कुल सही पहनी अपने हिसाब से। वाह भाई चाय पे। पहले बैटिंग किसी होगी, आदि की पापा की? अरे इतनी तेज पैर पे मार रहा है यार। चलो 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 चलो, अरे ले आ रशु, आगे करेगा आगे। मुझे पापा खेल ले, हम लोग खेल ले, हम लोग खेल ले। अरे मैं दिखाऊंगा। सो गाइस ये मेरा नया स्पिन का तरीका है, देखिए आप। इस मुरलीधरन स्टाइल, हाथ पीछे से आएगा और ऐसे ऐसे करूंगा मैं स्पिन, ये स्पिन जाएगी देखना। ए हटो 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 हटो, देखिएगा मेरी स्पिन, देखिए इसको, देख जरा उसको, देख जरा, रुक जा, रुक लाने। रशु वन बॉल, वन बॉल, चलो। पापा की बैटिंग, आप वॉकिंग करोगे? लो यहां से करो, यहां से। राउंड द विकेट आते हुए बॉलर और बहुत ही बढ़िया गेंद कराई आराम से। आ रही बॉल, आ रही है, कौन फेंक रहा है? भैया फेंक दो, ऊपर फेंक दो। थैंक यू भैया। अरे अरे पद्दी का मतलब क्या होता है? नहीं बता, हम बताते हैं। थैंक यू भैया।
थैंक यू। पद्दी का मतलब होता है जैसे आपने फील्डिंग कर ली, ठीक है, जब आपकी बैटिंग की बारी तो अगली टीम भाग गई तो आपने पद्दी की, मतलब दौड़ भाग वाला काम सारा किया, मजे वाले काम नहीं किए, तो उसको बोलते हैं पद्दी होना कानपुर की भाषा में, है ना, यहाँ बोलते हैं ना पद्दी होना। सो आई ट्राई टू प्ले हेलीकॉप्टर शॉट। ओ भाई साहब क्या घुमाया है, पीछे वाली गली में चल गया। अपने क्या मारा, हेलीकॉप्टर शॉट खाने रह दिया। क्या रह दिया, खाने रह दिया। क्या बना खाने में, सभी नहीं होता, सब्जी होता है। दादा सब्जी नहीं, सभी होता है, सभी होता है, सभी बोलो प्लीज। दादा सभी सर कोई बोले ना सब्जी होता है तो बोलो नहीं सभी होता है, क्या होता है, नहीं सभी होता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम जा रहे हैं डिनर करने, आप भी जाए डिनर करने और सो जाए और नीनी कर ले और दूध पी ले, दूध पी के निकल बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।